press the bell icon on the YouTube app and never miss another subscribe to channel and press the bell icon for the latest updates. Supreme Court ने decision लिया इसके ऊपर article जो आ रहे हैं दुनिया के अखबारों में इसी तरह वो बरकत दत्त साहब हैं उनकी वो लिख रही हैं कि ये इसके बाद तो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसमें हमारे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तानी वहां जाके काम कर रहे हैं वो भी और इंडियन भी बैठे हुए हैं जो लगातार हमारे खिलाफ लिख रहे हैं हमारे कोई हाथ तो नहीं बंधे हुए ना यही तो मसला है ना भेजने चाहिए लोग करना चाहिए लोगों को लिखना चाहिए अभी मैं हमारे दो पाकिस्तानी हैं वो भी लिख रहे हैं खिलाफ ही कि सारा कुछ जो हो रहा है ये मिलिट्री का ये हो जाएगा तो मिलिट्री का फायदा मीनिंग कि मिलिट्री इसमें शामिल है हालांकि मिलिट्री का इसमें कोई दखल नहीं है ये सारा कुछ प्रोसेस जो हुआ है ये जुडिशरी का और जो गवर्नमेंट के साथ हुआ है इंटरनेशनल मीडिया में आप उनके दुनिया में जो आर्टिकल्स निकलते हैं जो खबरें निकलती हैं आप देख सकते हैं कि उसमें हिंदू कंटेंट कितना है इंडियन कंटेंट कितना है उसमें मेरा तो ख्याल है कि ये इस प्रोसेस से ये जो प्रोसेस है ये दुनिया में बहुत जगह होता ये अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस और ये गवर्नमेंट के चेंज होना क्या और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो हो रही है हमारी ग्रेजुअली अभी शुरू हुई है लेट्स होप ये कंटिन्यू करे इससे कोई खतरा नहीं है इससे मिलिट्री वुड बी क्लोजर टू द गवर्नमेंट देन बिफोर तो ये लेकिन वो प्रोफेस ये कर रहे हैं कि मिलिट्री पीछे उनका हाथ है और तो ये हमारा एक वन ऑफ द मेजर वीकनेसेस दैट थिंक टैंक्स दुनिया के जो जहां जहां लोगों को होना चाहिए हमारे लोग ना वो हैं जाते हैं अगर जाते हैं तो उन्हीं की बोली बोलते हैं ठीक छोटी सी अगर आप जी सर थिंक टैंक के बारे में भी आप हमें बताएंगे कि क्या हमारे पास लोग नहीं है दिमाग नहीं है कलम कम पड़ गए स्याही क्या चीज कम पड़ गई है कि हम नहीं जवाब दे पहले तो वो कि हम अच्छी इसको उठा क्यों नहीं पाए तवाना तरीके से इसके लिए फिर आपको फील्ड में डिप्लोमेट चाहिए जो ये एक्चुअल काम करके दिखाए मैं ये मिसाल दिया करता हूँ कि बाहर अगर आपके घास बड़ा लगा हुआ आप भी कहें इसको कटना चाहिए मैं भी कहूँ कटना चाहिए जब तक आप मशीन देकर एक बंदे को कहेंगे नहीं कि जाके घास काटो भाई तो नहीं कटेगा तो आपके फील्ड में काम करने के लिए जो डिप्लोमेट्स चाहिए उनको जो मिशन देने की जरूरत है वो नहीं हो सर सी पैक के बारे में जनरल साहब आपसे सी पैक के बारे में अभी बल्कि हम ये दिखाना भी चाहेंगे लोगों को कि क्या कहा जा रहा है सी पैक के बारे में हिंदुस्तान की तरफ से उनके अल्फाज जो वो कहते हैं कि जी ये आप उनकी गुलामी कबूल कर रहे हैं आप इंपीरियल लॉर्ड बना रहे हैं चाइना को जी पहली बात तो ये कि इतने हम गए गुजरे नहीं है अल्लाह के फजल करम से कि हमें इतना भी पता ना चले कि कोई हमें गुलाम बना रहा है या नहीं बना रहा लेकिन अगर कोई ये कह रहा है तो इसको इस इंडिकेशन को लेने में कोई हर्ज नहीं है मतलब इस चीज को रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए कि कहीं वाकई हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अब तक जो चीजें नजर आ रही हैं सामने ऐसी कोई बात नहीं है क्या प्रॉब्लम है सीपैक से इनको सीपैक पे मैं एक पॉइंट ये था कि देखिए ये आप अगर इंडिया का नक्शा देखें ना इंडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है उनके इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उनको उनका मेन मसला है वेस्टवर्ड मूवमेंट उनको वेस्ट जाना है
उनकी अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए वो उधर, तो ईस्ट में तो वैसे ही इतनी कॉम्पिटिशन सर सी पैक के थ्रू तो बड़ी जल्दी वेस्ट तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, इसीलिए तो इनवाइट भी किया ब्रिक्स एक बहुत बड़ा वो है, लेकिन उनका उनका पहला उनका उनका पहला जो खतरा था उनको कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। नंबर दो ये था कि ये सी पैक से चाइना एंड पाकिस्तान और मेरा जो मैं घेर रहा था सबको वो खत्म हो जाएगा, वो उन्होंने उनका वेस्टवर्ड रास्ता उनको मिल जाए अफगानिस्तान का। तो ये इनकी कोशिश यही है कि ये ना बने, हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए थी हम भी शामिल हों इसमें। तो वो उनका उनका और उन्होंने तो सरेआम कहा है कि हम इसको स्कटल करेंगे, बल्कि उन्होंने 350 मिलियन का इनिशियली डॉलर का कहा था, ये हमने मुख्तस कर दिए इसको डिसरप्ट करने के लिए, और डिसरप्शन आपको आजकल नजर भी आ रही है कि जब से ये आशीर्वाद उनको मिली अमेरिका की, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि सी पैक इतना कामयाब हो, तो वो आपको नजर आ रहा है इक्का दुक्का वाकयात बड़े हाई प्रोफाइल हो रहे हैं, हो जाते हैं कभी, तो वो उनको तो बिल्कुल हजम नहीं है सी पैक एक मसला है। अच्छा सर ये जो LOC पे सिचुएशन है, जब भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्योस या इदारों के बीच में किसी किस्म का भी तसादुम देखने को मिला है माजी में, तो हमेशा ये जो LOC है वो ये टाइट और हार्ड एंड फास्ट ये सब कर देते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अच्छा बहरहाल ये तो आप अभी कनेक्शन मिला रही है ना, और लोग भी मिलाते हैं कि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ऐसा होता है। अच्छा बहरहाल पिछले दिनों भी हुआ। हाँ मैंने ये इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अंदरूनी जो हमारा मसला खड़ा होता है तो उधर फिर तो इसका मतलब है सर कि हमारे पास इदारे लोग सब मौजूद हैं, अगर जो इदारे मौजूद थे अकाउंटेबिलिटी की, एडमिरल साहब आपसे सवाल है, अगर इदारे मौजूद थे अकाउंटेबिलिटी के तो हमें पूरा का पूरा कमीशन क्यों बनाना पड़ा? इसका मतलब है कि हम उनको वो मशीन नहीं दे रहे कि वो घास काट के हैं। देखिए बात इसी तरह की है कि यही इंस्टीट्यूशंस में से कई एग्जांपल्स अवेलेबल हैं हिस्ट्री में हमारे कि उसी इंस्टीट्यूशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया। ये सारे इंस्टीट्यूशंस आजकल तो एक्चुअली ये जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ना वो तकरीबन खत्म हो गया, इंस्टीट्यूशंस एक मुल्क को चलाते हैं, ये डेमोक्रेसी जो टिपिकल चल रही है इंस्टीट्यूशंस मुल्क को चलाते हैं, इसका मतलब है ये जो सियासत या सियासी निजाम है आप उसको किस तरह से साइडलाइन? नहीं साइडलाइन नहीं कर रहा, वो एक डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। अच्छा बाकी जो सारी रनिंग ऑफ द स्टेट, जब पॉलिसी मिल गई आपने डिफरेंट पॉलिसीज बना ली जो एनालिसिस करके, तो फिर वो अपने उस पॉलिसी पे चलते हैं, उनमें इंटरफेरेंस नहीं होता। फिर जैसे जलन साहब ने कहा कि आपने अगर तेज रेस में हिस्सा लेना है घोड़ों की तो घोड़ा ही रखेंगे ना आप, फिर यू नीड टू हैव मेरिट। ठीक है आपके मुल्क में मेरिट अवेलेबल है इन एवरी फील्ड, लेकिन वो आप सही जगह उसको रखते नहीं है। ठीक है और हर चीज तकरीबन लिंक कर दिए पैसों से, ये मनी का एक पावर है सर, जिदे कुल दाने होते कमले भी से आने, बिल्कुल एंड पर्सनल लॉयल्टी एंड पर्सनल लॉयल्टी वो उसी से लिंक है पैसों से। मैंने कुछ सीपैक पे भी कुछ एक थोड़ा सा बोलना है। जी जी जरूर जरूर। आपका निजाम ऐसा नहीं है जो कि अच्छे लोगों को ऊपर लेकर आए और जो अच्छे जहीन लोग हैं उनको मौका दे, वरना आपका क्या ख्याल है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी चलाने वाले लोग नहीं, आपके फॉरेन ऑफिस में ऐसे ऐसे जहीन लोग बैठे हैं, हम चूंकि मिलते रहते हैं इनसे ब्यूरोक्रेट से, दे आर दी सिलेक्टेड पीपल ऑफ दिस कंट्री, और वो उनको आप करने तो दें काम, जब करने नहीं दिया जाता तो फिर ये मसला है, अदरवाइज ये मसला। और दूसरा ये कि एक इंटरफेस होता है बिटवीन थिंक टैंक्स एंड पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स इनपुट देते हैं पॉलिसी मेकर्स उसके मुताबिक काम करते हैं, अगर पॉलिसी मेकर को समझ ही ना आए कि थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं, उनकी समझ की लेवल वो ना हो कि थिंक टैंक्स, या अगर नहीं भी आया चलो थिंक टैंक्स की बात वैसे ही मान ले, ये प्रॉब्लम है हमारे सर। जंग जो है वर्ड्स की कहते हैं जी, अब तो अल्फाज की जंग है, वो चाहे कलम से निकले या जबान से निकले, तो वो फॉरेन पॉलिसी भी जबान की जंग करती है, जिसे एनवॉयस के थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू या मीडिया के थ्रू भी वही अल्फाज की जंग होती है, प्ले विद द वर्ड्स, कलम के जरिए भी वो होती है। अब लोग हमारे पास आप कहते हैं अच्छे हैं, तो अब वो लोग क्या जबान और कलम जानते नहीं है खोलना? नहीं, जानते हैं, लेकिन जब आप नेशनल लेवल पर पॉलिसी स्क्रीन पे तो आ रहे हैं ना कि यहाँ पर भी ये मसला देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पॉलिसी जो है वो एक इंटेंट होती है, पॉलिसी सिर्फ ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, जब उस पर आप पक्के हो जाते हैं फिर उसके बाद वो काम करना होता है, तो पॉलिसी का जो मैनिफेस्टेशन है फिजिकल वो है डिप्लोमेसी। जब आप कहते हैं कि पॉलिसी ये होनी चाहिए कि हमें मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान के साथ हर सूरत में दोस्ती करनी चाहिए, अमन की बात करनी चाहिए,
یہ ایک پالیسی ہوگی. لیکن اگر یہ بھی یہ کہتے رہے میں بھی یہ کہتا رہوں آپ بھی کہتے تو جی تو کبھی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیں جب تک آپ کی پالیسی میں ایکا نہ ہو پولیٹیکلی ملٹیرلی انسٹیٹیوشنز کا آپس میں اور ایون پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ مین تو وہ ہے نا. جب تک آپ کا جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن نہیں ہے اور ہمیں اس کا دوستی کرنی چاہیے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ پکا دشمن ہے تو آپ کی آواز کون اٹھائے گا؟ پہلے یہ ایک ہونا ضروری ہے نا, وہ میرے خیال ایک تو وہ مسنگ ہے. سر آپ دوستی جسے یہ دوستی ریاستی بیس پہ کسی نے کوشش کی ہے یا انڈیویجول بیس؟ دیکھیں ریاستی بیس کی جیسے نیرج صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی آپ بات کر سکتے ہیں, دشمن کے ساتھ آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں. کیا چین اور امریکہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن نہیں ہے؟ کیا آپس میں ان کی تجارت سب سے بڑی نہیں ہے دنیا میں؟ تو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے. صرف یہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ساتھ کی ساتھ ہم یہ ہم سی پیک آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے آپ سی پیک میں آئے. میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کے پاس وقت ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کے لیے اور یہ نظر آ رہا تھا, یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. ہاں اچمبے کی بات یہ ہے کہ جب وقت نہیں تھا ان کے پاس تو انہوں نے کوئی فل ٹائم فورن منسٹر کیوں نہیں اپوائنٹ کیا, اس چیز کو سمجھنے سے. اور اس میں میرا خیال ہے جو اس کے پیچھے جو اس کے پیچھے چیز کار فرما ہے میرے خیال میں وہ جو فوج کہ وہ نہ کوئی ایسا کام کریں. یہ اچھا ان کو وہ خوف ہے ہمیشہ سے کہ یہ کہیں ہماری سیاست میں انوالو جی اگر میں اپنے پاس نہ رکھوں اور کسی اور کے حوالے کر دوں فورن منسٹری تو ایسا نہ ہو کہ جو کہ الزام ہے فوج کے اوپر میں کہتا ہوں درست نہیں ہے کہ پھر وہ چلانا شروع کر دیں گے فورن. نہیں تو سر اپنے پاس رکھ کے بھی تو نہیں کرتے نا کام. ہاں تو پھر اپنے پاس رکھنے کے بعد بھی الزام تو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جی انڈیا کے متعلق اور افغانستان کے متعلق اور امریکہ کے متعلق جو ہے وہ آرمی انٹرفیئر کرتی ہے, میرا خیال غلط ہے. پریس دی بیل آئیکن آن دی یوٹیوب ایپ اینڈ نیور مس انادر اپڈیٹ.